नमस्कार दोस्तों, मैं टेकी पवन। आज हम बात करेंगे ओप्पो F5 यूथ और हुआई ओनर 9 लाइट के बारे में। देखते हैं दोनों फ़ोन में से कौन विनर होता है और किसकी स्पेसिफिकेशन आगे निकलती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं टेकी पवन, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल स्पेसिफिकेशन की। तो आप जनरल स्पेसिफिकेशन में दोनों ही लगभग सेम है, कुछ अंतर को छोड़कर। हुआई ओनर 9i की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हाइब्रिड स्लॉट है इसमें। हाइब्रिड स्लॉट मतलब यानी कि दो सिम है, लेकिन आप एक सिम हटाओगे तभी उस मेमोरी कार्ड को यूज़ कर पाओगे। ओप्पो F5 यूथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। लेकिन ओप्पो F5 यूथ की जाहिर बात है कीमत भी ज़्यादा है, देखिए लगभग 3000 के आसपास ज़्यादा है। आगे और देखते हैं। अब बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट की। तो दोनों की डिज़ाइनिंग लगभग सेम है, लेकिन ओनर का वज़न थोड़ा कम है, यूथ का वज़न थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मोटाई की बात करें तो ओनर 9 लाइट केवल 0.1 mm मोटा है ओप्पो F5 यूथ से। हाँ, जो बेसिकली मेन अंतर आया है वो ये आया है कि ओनर 9 की स्क्रीन, ओनर 9 लाइट की स्क्रीन केवल 5.65 इंची है, जबकि ओप्पो F5 यूथ की स्क्रीन 6 इंच है, जो यहाँ इसके लिए बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ओनर की साइज केवल 5.65 है, जबकि ओप्पो F5 यूथ की साइज 6 इंच है। दोनों ही कलर IPS स्क्रीन में है, दोनों ही फुल HD प्लस में है। फुल HD प्लस मतलब 2160x1080 पिक्सल्स, यानी कि आपको स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, अच्छी क्वालिटी की, जिसमें आप वीडियो वगैरह अच्छे तरह से देख सकते हैं, गेमिंग अच्छे तरह देखेंगे, कलर्स अच्छे तरह दिखेंगे। दोनों ही मल्टी टच है। हाँ, ओनर 9 की जो PPI है पिक्सल पर इंच, वो 428 है, जबकि ओप्पो F5 का केवल 402 है। इसका मतलब ओनर 9 लाइट में कलर्स ज़्यादा ब्राइट देखेंगे आपको। इसके अलावा दोनों की ही स्क्रीन 89 के एस्पेक्ट रेशियो में आ रही है, जो कि आजकल लेटेस्ट मॉडल्स के अनुसार यही है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है 89 एस्पेक्ट रेशियो, जो कि लोगों के द्वारा प्रेफर किया जा रहा है और बहुत सुंदर भी दिखता है दोस्तों। अब बात करें कैमरा स्पेसिफिकेशंस की। तो कैमरा में देखेंगे हम तो रियर और फ्रंट कैमरा दोनों ही ओनर 9i का डुअल कैमरा है, 13 MP प्लस 2 MP, जबकि ओप्पो F5 का रियर कैमरा तो 13 MP का है और फ्रंट कैमरा 16 MP का है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में निश्चित रूप से ओनर 9i ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो डुअल कैमरा होने के कारण ये डेप्थ अच्छी देगा फ़ोटो खींचने में, और आपको क्वालिटी बहुत बेहतरीन आने वाली है। बुके इफेक्ट और कई प्रकार के इफेक्ट्स में ये डुअल कैमरा आपको सपोर्ट करेगा। दोनों में ही LED फ्लैश है, दोनों का अपर्चर ठीक है, फोकस ऑफ कैमरा दोनों का ही ऑटो फोकस है। फिर वही बात, डुअल कैमरा केवल और केवल ओनर में है, फ्रंट में भी है और बैक में भी है, इसकी नई खासियत आई है बिल्कुल एकदम नई। दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p यानी कि फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बुके इफेक्ट के साथ इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो कैमरा स्पेसिफिकेशंस में ओनर 9 लाइट आगे निकल जाता है। अब देखें हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की दोस्तों। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे कि ओनर 9 एंड्रॉयड 8 ओरियो अपडेट के साथ आ रहा है, जबकि ओप्पो अभी भी 7.1 के साथ ही चल रहा है, और वो अपडेट देने वाला भी नहीं है। इसके अलावा प्रोसेसर आपका देखेंगे ओनर का हाई सिलिकॉन क्रीन है, ऑक्टा कोर 2.36, इसका 2.5 का है मीडिया टेक का 6763 के साथ, जो कि दोनों सेम ही हैं। अगर आप प्रोसेसर की तुलना करें तो दोनों अगर चलाएंगे गेम्स वगैरह तो दोनों सेम ही मिलेंगे। इसके अलावा स्टोरेज दोनों का सेम है, रैम दोनों की सेम है, 32 GB 3 GB। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ओनर 9i में स्टोरेज आप तभी बढ़ा पाएंगे जब आप अपनी एक सिम को हटा पाएंगे, जबकि ओप्पो F5 में ऐसा नहीं है। तो यदि आप डुअल सिम के दीवाने हैं तो आपको ओनर 9 बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, मैं यही क्लियर कर देता हूँ। अब कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो कनेक्टिविटी में सभी सपोर्टिंग है, दोनों में सेम ही है, दोनों ही माइक्रो USB 2 पोर्ट के साथ आते हैं, कोई भी 3 पोर्ट नहीं दे रहा है, ना FM है दोनों में, ना NFC है दोनों में, इंफ्रारेड भी नहीं है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, जो बेसिक फीचर्स होती है, वही दोनों ने दी है बस कनेक्टिविटी फीचर्स में। बैटरी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही नॉन रिमूवेबल बैटरी है। आजकल दोनों क्या, जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सब में नॉन रिमूवेबल बैटरी आ रही है, इसमें इस कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ओनर 9 की बैटरी 3000 है, जबकि ओप्पो F5 की बैटरी 3200 mAh की है, तो बैटरी के मामले में भी ओप्पो F5 ज़्यादा आगे है।
अदर फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो अदर फीचर्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल अनलॉक दोनों में ही मिल जाएगा। ओनर में जो फेशियल अनलॉक फीचर है वो अपडेट्स के साथ मिलेगा, लेकिन एक चीज़ बताऊं दोस्तों, फेशियल अनलॉक कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने अपने फेशियल अनलॉक कर रखा है अपने फ़ोन को और आपका फ्रेंड आ गया कि मुझे फ़ोन दो मैं चलाऊँ, और आपने उसको मना कर दिया, तो इतनी देर में वो फ़ोन लेके आपके फेस के आगे कर देगा और तुरंत आपका पासवर्ड खुल जाएगा। आपके पेरेंट्स ने भी आपके फ़ोन को कोई भी देख सकता है, आप मना भी नहीं कर सकते, मैं नहीं करूँ। इतनी देर में आपके मना करने से पहले तो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी आपके फ़ोन को आपके फेस के आगे करेगा और वो अनलॉक हो जाएगा, तो ये बड़ा गंभीर हो जाएगा मामला। दोनों की कर्व सरफेस है, सेंसर्स फिंगरप्रिंट के भी है, एक्सेलेरोमीटर है, जायरोस्कोप भी है, तो सेंसर्स लगभग सेम है, कोई सेंसर्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बात आती है फाइनल कंक्लूजन की दोस्तों, तो ओनर 9 लाइट और ओप्पो F5 यूथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक फ़र्क है। नंबर वन कि ओनर का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, डुअल कैमरा, ओनर का फ्रंट कैमरा और डुअल कैमरा दोनों ही, बैक कैमरा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जबकि ओप्पो F5 यूथ के फेवर में जाती है दो चीज़ें, एक तो बैटरी इसकी 200 mAh ज़्यादा है और एक स्क्रीन बड़ी है। अब दोस्तों होता यह है कि स्क्रीन आजकल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन रही है, और कैमरा भी, अगर हम इस हिसाब से देखें तो ओप्पो F5 यूथ में आपको कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, भले ही डुअल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी एक रेस्पेक्टेबल कैमरा मिल रहा है ओप्पो F5 यूथ में। साथ में आपको स्क्रीन भी बहुत बड़ी मिल रही है, जिस पे आप रीडिंग कर सकते हो या अदर वर्क कर सकते हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और बैटरी भी आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है, 3200 mAh 200 mAh ज़्यादा है। तो इस मामले में अगर मैं कहूँ, अगर सोचे हम, तो ओप्पो F5 यूथ निश्चित रूप से वही ओनर 9 लाइट से आगे। इसमें एक कारण और जोड़ दें आप कि ओप्पो F5 में दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, जबकि ओनर 9 में आपको एक सिम छोड़ोगे तभी आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाओगे। तो मेरे प्रेफरेंस है कि आप ओनर 9 लाइट, भले ही वो 3000 सस्ता हो, लेकिन आप उसे न लेकर ओप्पो F5 यूथ को ले, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत कम है ओनर 9 लाइट की, जो तुरंत भर जाएगी। 32 GB आजकल भरना बहुत आसान है, जब से जियो आया है फ्री में इंटरनेट हो रहा है, तो 1 GB का एक दिन का ख़त्म हो रहा है, तो ये 32 GB तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप ओप्पो F5 यूथ की तरफ जाएं, जिसमें आप मेमोरी कार्ड एक्सटेंशन के द्वारा अपनी स्पेस को बढ़ा सकते हैं, 64 GB ले जा सकते हैं, 128 GB भी ले जा सकते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस है ओप्पो F5 यूथ, प्राइस को नहीं देखें, क्वालिटी को देखें और फीचर्स को देखें दोस्तों। बस, थैंक यू।